हेलो एवरीवन मेरा नाम दीक्षा जैन है और uh, मेरी इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में 22वीं रैंक आई है और इस वीडियो में मैं ऐसे को कैसे अप्रोच करना है निबंध को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में बात करूँगी तो uh, सबसे पहले हमें यह समझने की uh, ज़रूरत है कि एक ऐसे में क्या रिक्वायरमेंट होती है ऐसे की एक रिक्वायरमेंट होती है जो उसका नॉलेज का पार्ट होता है जो हम उसमें फैक्ट्स uh, यूज़ करते हैं जो हम uh, उसमें हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में जो हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में जो पढ़ा है उसमें से जो चीज़ें यूज़ करते हैं और दूसरा पार्ट होता है उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू कोई भी ऐसे ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ के मज़ा आए जो एग्ज़ामिनर है उसको और uh, उसको उसी वजह से उसको मार्क्स देने का भी मन करेगा तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी होती है अगर आप अपने ऐसे में बहुत ज़्यादा uh, फैक्ट्स और बहुत ही ज़्यादा मतलब फैक्चुअल हो जाएंगे तो ऐसे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा अगर उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी और एक हिसाब से मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखती हूँ हम सबकी कोई ना कोई क्रिएटिव साइड होती है और ऐसे एक अच्छा एरिया है जहाँ पे हम इसको बाहर ला सकते हैं तो अगर पहले मैं नॉलेज वाले एरिया की बात करूँ कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो आ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली हमारी सोसाइटी हमारे मतलब अभी करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे पहला एक हो गया जैसे गरीबी है पॉवर्टी है उसके ऊपर काफ़ी बार ऐसे आ चुका है इनिकवालिटी है महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर भी बहुत बार ऐसे के टॉपिक्स आ चुके हैं इन सब टाइप के जो है इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग से जाके पढ़ें आपकी जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उसी में आप बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ लेते हैं आप बस उसमें से थोड़ा डेटा आप साइड में रख सकते हैं जैसे अगर आप महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसमें अगर कोई जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट आई है कोई संयुक्त राष्ट्र की कोई रिपोर्ट आई है जो इंडिया के जेंडर के बारे जेंडर इनिक्वालिटी के बारे में बात करती है या अगर कोई आ, सेक्स रेशियो जो हो गया और किसी स्टेट में प्रॉब्लम है तो इन सब के डेटा आप थोड़ा सा इकट्ठा करके रख सकते हैं आ, ताकि वो आपको दिमाग में रहे और वो पॉइंट्स आप लिख सकें अपने ऐसे में ये एक बेसिक होता है जितना आप नॉलेज बेस बेसिक कैसे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अलावा आप ऐसे में जो हमारा अप्रोच होता है वो ये होता है कि आप चाहे आपको जो भी टॉपिक मिले आप उसको अलग अलग दृष्टिकोण से एनालाइज कर सकें तो आ, जैसे अगर आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो आप गरीबी को ना सिर्फ की एक इकोनॉमिक टर्म्स में कि पैसे की जो गरीबी होती है वो गरीबी है बट गरीबी के जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी जो आ, शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है इससे मतलब इवन जो सैनिटेशन है एनवायरमेंट को कितना प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों को साथ में लेके आपको ऐसे में चलना है यूपीएससी दो टाइप की चीज़ें पूछती है एक तो ऐसे के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैंने कहा कि इन टॉपिक्स के बीच में होते हैं जैसे गरीबी से रिलेटेड है और दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल टाइप के होते हैं जैसे एक टॉपिक आया था कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस अब ये एक अंग्रेजी की कहावत है जो मतलब एज अ टॉपिक ही आ गई इस इस टाइप के टॉपिक्स के लिए और पर्सनली मुझे ये टॉपिक्स बड़े पसंद थे क्योंकि इनमें कोई आपको लिमिट नहीं है आप जैसे चाहे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं तो आप इसको बहुत ही मतलब इनके लिए तरीका ये होता है कि इसको भी आप हर पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ करें अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इतिहास के रूप में देखना चाहते हैं इसको तो आप नेपोलियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नेपोलियन को जैसे फतेह करने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी उसने हर जगह पे अटैक किया बहुत जल्दी जल्दी कॉन्कर किया पूरे यूरोप को और अगर आप ब्रिटेन को उसके अगेंस्ट देखें तो ब्रिटेन एक तरह से शांत था वो अपने अर्थशा अपने आर्थिक स्थिति पर फोकस कर रहा था अपने आप को अंदर से बिल्ड कर रहा था धीरे धीरे और अंततः ये हुआ कि नेपोलियन हार गया इंग्लैंड से तो आप इसमें कह सकते हैं कि जी हाँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे स्लो एंड स्टडी शायद नहीं जीत रहा होगा तो उसके लिए आप एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं आइडिया ये रहता है कि आप एक बार हिस्ट्री से फिर सोसाइटी से कभी इकोनॉमी से इन सब जगह से आप पॉइंट्स लेके अलग अलग पर्स्पेक्टिव देखें तो आपको एक लेंथ अच्छी हो जाएगी ऐसे में अब ये तो नॉलेज वाला पार्ट हो गया अब आप ऐसे को खूबसूरती कैसे दे सकते हैं उसको एक इंटरेस्टिंग uh, कैसे बना सकते हैं रीडर के लिए सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन जो आपका पहला पैराग्राफ होता है ऐसे का वो सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ा जाता है एग्जामिनर की तरफ से अगर वो एग्ज़ामिनर का ध्यान केंद्रित कर लेता है उनको आकर्षित कर लेता है तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं पहले मुझे लगता था कि यू पी के जो ऐसे होते हैं वो बहुत ही सीरियस टाइप के होते हैं और उसमें आप ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी नहीं कर सकते लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि आप क्रिएटिविटी कर सकते हो और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा आ है क्रिएटिविटी के लिए तो आप जैसे कहानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं कहानी का मतलब कोई भी कहानी नहीं वो कहानी एकदम सटीक टॉपिक पे लगनी चाहिए तो आप किसी कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी आ, कुछ आपने करंट अफेयर्स में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आ, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लोन आया है उसके बारे में आपने पढ़ा हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं कोई रिपोर्ट आई है जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी उसमें जो डेटा है और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उससे आप शुरू कर सकते हैं एक ऐसे था उसमें मैंने प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर करके तो मैंने वो यूज़ की थी उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए और मुझे लगा कि उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था मुझे मार्क्स में भी अच्छे मिले थे मौके से था वो एक तो ऐसे आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ होती है कि ऐसे में फ्लो होना चाहिए मतलब कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में जुड़ के जाना चाहिए ऐसे नहीं कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट अलग अलग लगे और पूरा ऐसे का भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए तो फ्लो uh, के लिए ये uh, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप हमेशा एक पैर को दूसरे पैर से कनेक्ट करके चलें जैसे अगर आपने पहले आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और आपने ऐसे बात की है कि अगर हम आ, भारत की आ, भारत के इतिहास में देखें तो हमें वहाँ पे भी शिक्षा के ये ये क्षेत्र दिखेंगे और इससे आपको सोसाइटी में जाना है तो आप अगले पैर को ऐसे शुरू कर सकते हैं कि ना सिर्फ कि भारत के इतिहास में बट हमारे आज के सोसाइटी में भी ये इश्यूज हैं तो ऐसे करके आप एक पैर से दूसरा पैरा कनेक्ट करते चलेंगे तो ऐसे का फ्लो बना रहेगा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए आप ऐसे का ज़रूर एक फ्रेमवर्क बना लें पहले यूपीएससी खुद भी रफ वर्क के लिए स्पेस देता है ऐसे में पीछे की तरफ तो वहाँ पे जैसे डेढ़ घंटे का ऐसे होता था तो आप आधा घंटा लेके आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं मुझे आधा घंटा लग जाता था एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो आपको लिखने में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा आपको पता होगा कि इसके बाद मुझे ये लिखना है फिर ये लिखना है यहाँ पे ये कोटेशन यूज़ करना है यहाँ पे ये कहानी यूज़ करनी है तो एक आप एकदम फ्लो में लिखते जाएंगे अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो बीच में आप डाइग्रेस कर सकते हैं टॉपिक से आप मतलब आपका ध्यान भटक सकता है आपका फ्लो टूट सकता है तो ये सारी चीज़ें होती है स्ट्रक्चर बनाना मेरे ख्याल से ठीक रहता है उसके बाद एक फ्लो के बाद जो फाइनल चीज़ है वो है कंक्लूजन तो कंक्लूजन भी इम्पैक्टफुल होना चाहिए जैसे इंट्रोडक्शन है कंक्लूजन में एक बेसिक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कंक्लूजन आपके ऐसे को के अंत को सिग्निफाई करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बाद साइंस एंड टेक का पर्सपेक्टिव दिया और वहीं से ऐसे ख़त्म हो गया उसके बाद आप एक पैराग्राफ लेके पूरे ऐसे को थोड़ा सा समराइज़ करके अपना जो ओपिनियन है उसमें वो उसको उसमें उसको बांध के फिर आप एंड कीजिए ये एकदम बेसिक है इसके अलावा आप अपने ओपिनियन और उस ऐसे की थीम को हाईलाइट करने के लिए कोटेशन कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं जो कहानी आपने शुरू की थी आप उस कहानी के आ, मतलब जो किरदार है उन्हीं से उसको ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसे को तो ऐसे में भी आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं इमेजेस यूज़ कर सकते हैं मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करके अगर कुछ हो बहुत आपको प्रभावशाली मिले तो तो एक अच्छा कंक्लूजन भी आपको वहाँ पे कुछ मार्क्स तो बढ़ा देता है तो ऐसे मैंने अपने ऐसे की प्रेपरेशन की थी एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी ऐसे 250 मार्क्स का पूरा पेपर है तो इसको उतना समय दीजिए जितना वो डिज़र्व करता है बहुत बार हमको लगता है कि हम जिस दिन पहला ऐसे लिखेंगे उसी दिन हम बहुत ही अच्छा ऐसे लिख देंगे लेकिन ऐसे को प्रैक्टिस करने से भी ऐसे बहुत बेटर होता है मेरा पहला ऐसे बहुत ही ज़्यादा बुरा था मतलब मैंने जिनको चेक करने के लिए दिया था उन्होंने मुझे मार्क्स भी नहीं दिए थे कि ये तो मतलब पूरा ही आप चेंज करके लाओ बिल्कुल इतना बुरा था लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा मैंने बहुत प्रैक्टिस की ऐसे कि उसको मतलब जैसे एक जी के पेपर्स में देती थी, थी वैसे मैं ऐसे को भी दो पेपर साथ में बैठ के देती थी, थी तो आप वो ज़रूर करें और मेरी एडवाइस रहेगी कि दो ऐसे एक साथ लिखें बहुत बार ये होता है कि पहले ऐसे में हमारा दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है दूसरे में जाके कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा थक जाते हैं तो जब आप दो ऐसे साथ में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो स्टैमिना बढ़ जाएगी एग्जाम देने की आई होप मेरी जो भी मतलब एक्सपीरियंसेस रहे ऐसे रिगार्डिंग वो आपके लिए यूजफुल रहे होंगे थैंक यू सो मच डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब विदर्स एंड प्रेस द बेलाइकन टू नेवर मिस द वीडियो ऑन चाणक्य आई ए एस अकेडमी